दोस्तों, अगर आप अपना इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और आप अपना इंस्टाग्राम पर अपना ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, ताकि जैसे कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका जो रीसेट का लिंक है आपके इंस्टाग्राम के ईमेल आईडी पर आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना ईमेल आईडी जो चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि वो ईमेल आईडी का जो पासवर्ड आप भूल गए हैं या फिर आपका जो है लॉगिन नहीं है, आप दूसरा ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपना इंस्टाग्राम पर अपना ईमेल आईडी चेंज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों, जब आप अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपको थ्री लाइन का ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इसका ऑप्शन मिले आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद से दोस्तों आपको जो इंस्टाग्राम का अकाउंट सेंटर जो मेटा की तरफ से मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों आपके सारे फीचर्स, आपके सारे जो सेटिंग्स वगैरह होते हैं सब यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों सबसे नीचे आप देखेंगे तो सिक्योरिटी चेकअप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो भी अगर जैसे कि अगर आप अपना ईमेल आईडी भूल गए हैं, अपना ईमेल आईडी यानी अपना चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ईमेल वाला जो ऑप्शन है इस पर तीर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो अपडेट योर ईमेल का ऑप्शन देखने को मिल गया है। तो आपको दोस्तों जो भी अपना ईमेल आईडी अपना चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको बस यहाँ पे क्या करना है, बैक कर देना है। बैक करने के बाद से दोस्तों आपको अपना नया ईमेल आईडी ऐड कर लेना है। तो मैंने अपना बैक कर लिया है, अब अपना यहाँ पे नया ईमेल आईडी हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ऐड कर लिया है। अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपके जो ईमेल आईडी आपने ऐड किया है उस ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी आएगा, 6 अंक का जो कोड आएगा वो कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो जाना होगा अपने ईमेल पर, अपने जीमेल पर, वहाँ पर आपको जो कोड है आपको देखना होगा, देख के आपको यहाँ पर इस पर फिल करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैसेज आ चुका है, ये हमारा जो ओटीपी है यहाँ पे 94 63 50, यही ओटीपी हमको वहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं 94। तो हमने दोस्तों देख सकते हैं हम अपना ओटीपी यहाँ पे फिल कर लिया है 94 63 50। अब इसके बाद से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से आपका मैसेज आ जाएगा, योर ईमेल हैज़ बीन अपडेटेड, यानी आपका ईमेल आईडी आपका अपडेट हो चुका है। और अब दोस्तों चाहेंगे तो आप देख भी पाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ईमेल आईडी कन्फर्म हो चुका है यानी चेंज हो पाया है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे दोस्तों डन का बटन है, डन के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे, बैक कर देंगे, यहाँ पे फिनिश लेटर के बटन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद से रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद से दोस्तों अकाउंट सेंटर पे आपको आ जाना है। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने जो ईमेल आईडी चेंज किया है वो हुआ नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फाइनली मेरा यहाँ पे जो मैंने अपना ईमेल आईडी चेंज किया था वो हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जाना और सीखा कि कैसे आप अपना इंस्टाग्राम पर ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, उसका पूरा कंप्लीट तरीका बताया। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।